M1000RR, it's a dream of many middle class boys like me. मुझे 10 साल लगा इस ड्रीम को फुलफिल करने में, लेकिन सिर्फ खरीद के रखना was not my dream. I dreamed of riding it on track. और आज वो दिन है जिसे कहते हैं living my dream. मैं लेके जा रहा हूँ मेरा M1000RR को ट्रैक पे, बूथ इंटरनेशनल सर्किट. देखो ट्रक के अंदर क्या क्या रखा है अभी. एक मिनट, ये देखो ट्रैक सूट, ये वाला जूता, ये किसी का हेलमेट, ये डूरॉक का हेलमेट, दो हेलमेट लेके जा रहा हूँ, मतलब टिंटेड ग्लास मेरे को चाहिए. और ये हम लोग का ट्रक, तभी देखो ये नीचे आ रहा है, इसके ऊपर बाइक जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा टूर होगा. सावधानी से जाइए भैया, गुड नाइट एंड सेफ जर्नी. बाइक तब आ जाएगा तो टाटा. अभी मिलेंगे दिल्ली में, ठीक है, चलो ट्रैक पे मिलते हैं. गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. Welcome to Tonuboy Ghost Blog. Ghost Riders World. Ghost Riders World. तो हम लोग कभी दिल्ली जा रहे हैं, on the way है, रास्ता में है. हम लोग अभी जा रहे हैं कार से एयरपोर्ट, ठीक है, तो वहाँ पर कार पार्क करेंगे और उसके बाद फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली. अभी टाइम हुआ है आपका 6:34, तो 8:15 तक फ्लाइट है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, on the way है. तो भाई दिल्ली पहुंच गए, अभी वेट कर रहे हैं बैगेज काउंटर, ठीक है, यहाँ से मेरा बैग आएगा. और ड्रम के लिए वेट कर रहे हैं, ड्रम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ड्रम के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है. और शालिनी भाई को देखो अपना बैग लेके मस्त मगन, अपने हाल में मस्त मगन. और मेरे को देखो वेट करना पड़ रहा है, एक बैग आएगा और एक जार आएगा, मतलब क्या ही बोले. चलो मिलता है भाई. फाइनली हम लोग होटल में आ गए, रेडिसन ब्लू में आए हैं और यहाँ पर रूम अभी तक क्लीन नहीं है, तो हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा, तो हम लोगों को नहीं, उन लोगों को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद रूम में जाएंगे, ठीक है. बहुत टायर्ड है, नींद ठीक से नहीं हुआ, जाके थोड़ा रेस्ट लेंगे और उसके बाद निकलेंगे. अभी देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लेते हैं रूम क्लीन करने में. तो भाई अल्टीमेटली होटल पहुँच गए और हम लोग रूम में भी आ गए, ठीक है. इतना बड़ा रूम लिया, ये रूम दिखाओ भाई एक बार, क्या बड़ा बड़ा रूम दिया और बाथरूम भी बड़ा है. नहीं भाई तो एक बेड नहीं होगा आपका, तो एक और इसका हाफ लगेगा ना, मेरे को चार बेड लगेगा. क्या कर रहे हैं भाई, ये यहाँ का व्यू देखो. सबसे खतरनाक चीज है, बाहर इतना गर्मी है ना, ये हाथ लगाने से भी मतलब तकलीफ हो रहा है कि कितना गर्मी है बाहर. अभी नेक्स्ट जाएंगे यहाँ से BIC, वहां पर बाइक को लेके पार्क करेंगे. हम लोगों का पिट लेंथ भी है, अभी M1000RR उतरेगा, वो भी और भी बढ़िया है. बधाई हो, बधाई हो. घोष तनु तुम्ही एतो केनो कष्ट करछो. 03 ऑफ कोर्स राइट टू
दिस इज नॉट अ नॉर्मल रोड, यू नो, नॉर्मल रोड नहीं है। तो क्या है ये? आगे आ जाओ, ये देखो, देखा कैसा डिफरेंट कलर्स है, पत्थर जैसा है, पूरा एकदम कॉन्क्रीट। ये है ट्रैक, माय गॉड, ये कोई सपने से कम नहीं है। M1000RR इन द पीट, और वो भी फर्स्ट टाइम, और खुद का बाइक। आई कैंट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स ब्रो। তোমার কেমন ফিলটা ভাই? এর থেকেও কিন্তু ফাড়তে হবে। না না চালাতে দেবে না, এর থেকেও খারাপ ভাবে ফাড়বে। ধান চালায় দেবে 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 একদিন, ওয়ান ডে ফর শিওর। আমার হাতে আমি যাচ্ছি, দাঁড়া এক সেকেন্ড। एंड हम लोग अभी है BMW का जो पीट है, देखो मस्त मस्त गाड़ी खड़ा है यहाँ पर, ये वाला तो मेरा है। तो सीन ऐसा है कि आज डे टू का स्टार्टिंग है, अभी तक कोई आया नहीं, पीट जस्ट ओपन हुआ और क्लासरूम्स ओपन नहीं हुआ, मेरा सूट वहाँ पर पड़ा है। तो फोटो वगैरह खींचने का कुछ मतलब ऐसा कुछ सीन था, अभी नहीं हो पाएगा, कुछ देर बाद हो पाएगा। तो अभी थोड़ा बाइक का फ़ोटो शूट होगा, इसके लिए बाइक पूरा साफ़ हो रहा है। ये देखो पिट लेन में आके साइड में लगा के एकदम मस्त जगह में लगा है बाइक को, यहाँ से फ़ोटो शूट होगा। उसके बाद मेरा सूट अभी तक नहीं आया, वो क्या ही कर सकते हैं। ভাই রেডিও বসে আছে, ভাইকে কি দারুণ লাগছে, মানে সেই মানে কমপ্লিট পুরো, হ্যাঁ সে কমপ্লিট লাগছে। তো এখন দেখাই এখন এদিকে মানুষ রাইডার আছে,
ये एक बहुत ही डिफरेंट एक टाइप का एक्सपीरियंस है। मतलब रोड पे चलाना और ट्रैक पे चलाना बहुत डिफरेंट है। मैं हर एक राइडर को सजेस्ट करता हूँ कि एक बार लाइफ में एक बार हो सके तो ट्रैक पे आना और उसके बाद डिफरेंस समझ जाना क्या है।